ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की रेस 3 को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, लेकिन बावजूद उसके सलमान खान के स्टारडम पर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। दुनिया भर में फिल्म के टिकट की एडवांस बुकिंग चल रही है। फिल्म का ऑडियंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज के बाद से ही कई नए रिकॉर्ड बना रही है। चलिए हम आपको रेस 3 के 5 ऐसे रिकॉर्ड बताएंगे जो सिर्फ 4 दिन में ही बन गए हैं। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म रेस 3 साल 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी है। इस फिल्म ने पद्मावत और बागी को पीछे छोड़ते हुए पहले दिन करीब 29 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली है। हॉलीवुड की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 31 करोड़ के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 फिल्म है। रेस 3 सलमान की वो फिल्म बन गई है जिसने मात्र 3 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। रेस 3 को लेकर काफी मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सलमान खान ने बता दिया कि वो अब भी बॉक्स ऑफिस के किंग है। सबसे अधिक 114 करोड़ रुपए पद्मावत ने कलेक्शन की थी, हालांकि वो 5 दिनों का रिकॉर्ड था। सलमान खान की फिल्म रेस 3 ने अपनी रिलीज के 3 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन कर ली है। इसी के साथ रेस 3 का नाम तेजी से 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में भी शामिल हो गया है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।